गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन 4, दैट इज नेम द फॉलोइंग। नाउ स्टूडेंट, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू एनिमल्स दैट लिव इन सॉइल। आपको दो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। स्टूडेंट, सॉइल is home to many animals like earthworms, ants, termites, snakes, rats, moles and rabbits. Students, you can see in this diagram rabbit, a snake and ants live by making their own house in the soil. आप देख रहे हो बेटा, आंट है, रैबिट है, स्नेक है, आंट है, ये मिट्टी में अपना घर बना के खुद से अपना घर बनाते हैं और रहते हैं। ओके, नाउ क्लियर। सो स्टूडेंट, आंसर इज रैट्स एंड आंट। वी विल राइट हियर रैट्स। ओके, नाउ रैट्स एंड आंट्स। ओके, नाउ क्लियर। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन, टू आइटम्स मेड ऑफ सॉइल। दो ऐसे आइटम के नाम बताने हैं जो सॉइल से बने होते हैं। नाउ स्टूडेंट, यू ऑल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मेड ऑफ सॉइल लाइक ब्रिक्स, पॉट्स, दियाज एंड कच्चा हाउस। स्टूडेंट, लुक एट दिस डायग्राम। पॉटर मेकिंग पॉट्स फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल से बेटा बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ब्रिक्स हैं, पॉट्स हैं, दिया है, कच्चा हाउस है। नाउ क्लियर। सो स्टूडेंट, आंसर इज दियाज और पॉट्स। वी विल राइट हियर नाउ पॉट्स एंड सेकंड इज दियाज। नाउ क्लियर। नाउ स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन, थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल। आपको थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल के नाम बताने हैं। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट क्ले सॉइल, सेकेंड लोमी सॉइल एंड थर्ड इज सैंडी सॉइल। सो स्टूडेंट, अबाउट द क्ले सॉइल आई एम टेलिंग यू, क्ले सॉइल मोस्टली कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स। इट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ टू टच। It can hold a lot of water. It is mostly used to make clay pots and clay toys. Now student, how to get into touching clay soil? चूने में बेटा कैसी होती है? Yes, it is soft and smooth to touch. ये चूने में soft और smooth होती है। And clay soil contain retain lot of water. और clay soil में water बहुत वो बहुत एब्जॉर्ब करती है वाटर को। तो एंड द पॉट्स एंड टॉयज डैट वी यूज़ इन डेली लाइफ मोस्टली मेड बाय क्ले। और जो पॉट्स होते हैं, टॉयज होते हैं, वो किससे बने होते हैं? क्ले सॉइल से। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। इट इज़ गुड फॉर प्लांट्स एज इट कंटेन्स enough air and water. Now student, then the loamy soil is formed from whom mixer? Yes, loamy soil contains a mixture of sand or clay. Loamy soil कैसे बनती है? Sand और clay के mixture से। This soil is considered almost suitable for plants growth and retain sufficient amount of water for better growth of the प्लांट। और बेटा लोमी सॉइल जो होती है वो प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सफिशियंट अमाउंट में वाटर होता है, एयर होती है। नाउ स्टूडेंट, थर्ड सॉइल, सैंडी सॉइल। यू नो सैंडी सॉइल कंटेन सैंड पार्टिकल्स। इट इज़ रफ टू टच। इट इज़ फाउंड इन डिजर्ट एंड इट डज नॉट होल्ड मच वाटर। स्टूडेंट, सैंडी सॉइल में सैंड पार्टिकल्स होते हैं और ये टचिंग में कैसी थी? रफ होती है। और मोस्टली ये डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान में मिलती है। और ये डज नॉट होल्ड अ मच वाटर, बहुत वाटर को ये नहीं एब्सॉर्ब कर पाती है। नाउ स्टूडेंट, आंसर इज
three types of soil. The first type of soil is clayey soil. Now, clay soil. Second is loamy soil. Okay, and now third, sandy soil. Now student, I am repeating again, listen carefully. Two animals that live in soil, first rats, second ants. Okay, now clear. Second question, two items made of soil, first is pot, second is diyas. Now clear. Now third, three types of soil, first clay soil, second loamy soil, and third sandy soil. Okay, now student, homework, learn, name the following of lesson 4. Okay, have a nice day. Thank you.